इधर होशंगाबाद जिले में अवैध शराब की खरीद फरोख्त रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इटारसी शहर में एसडीएम और आबकारी विभाग ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लहान जब्त किया। करीब 4000 किलो महुआ लहान मौके पर नष्ट किया गया। इसके साथ ही विभाग की टीम ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। टीम पुलिस और राज की संयुक्त दल के द्वारा जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गरीबी लाइन, बांस डिपो, बालाजी मंदिर, नई गरीबी लाइन और नाला मोहल्ला, रेलवे पटरी किनारे, इसमें जो है 4000 किलो लहान जब्त किया है। 200 लीटर कच्ची दारू मिली है और हमने इस पर 15 केस बनाए हैं। इसकी जिसकी कीमत है 2,60,000 के आसपास दारू की कीमत है। ऐसे ये हमारा लगातार अभियान जारी है। लगातार अवैध शराब के विरुद्ध पूरे जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 5 बजे से एसडीएम महोदय श्री मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में आबकारी पुलिस और राजस्व की ज्वाइंट टीम द्वारा शहर के चुनिंदा एरिया, गरीबी लाइन, झुग्गी झोपड़ी, न्यास कॉलोनी, नाला मोहल्ला, सूरजगंज एवं बालाजी मंदिर आसफाबाद में कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में 15 प्रकरण कायम किए गए और रेलवे ट्रैक के किनारे गरीबी लाइन, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में 4000 किलोग्राम महुआ लहान जो कि जमीन में गड़ा हुआ था या जो कुप्पे और ड्रमों में भरा हुआ था, इसको मौके पर जब्त किया गया और सैंपलिंग करके नष्ट किया गया।